हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफी कमाल की है। लिब्रा ऑफिस कैल्क को लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें काफी सारे फॉर्मूलाज आपको क्लियर होने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ओ लेवल से जुड़े हुए बच्चे भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि ओ लेवल में भी आजकल लिब्रा ऑफिस ही पूछा जा रहा है, तो लिब्रा ऑफिस कैल्क से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर लिखा हुआ है। आप एक्सेल में ड्रॉप डाउन बनाते हैं ना, एक्सेल में ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे ये एक्सेल है, इसे मैंने अगर ओपन किया तो आप एक्सेल में ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक्सेल ओपन हुआ और ओपन होने के बाद यहाँ ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन बनाना होता है, तो जहां भी ड्रॉप डाउन बनाना होता है वहां पे क्लिक करके हम कहां जाते हैं, डेटा टैब पे जाते हैं और यहां से चले जाते हैं डेटा वैलिडेशन पर, और डेटा वैलिडेशन पे जाकर के तब यहां से लिस्ट बनाते हैं इसे। लेकिन यहां पर क्या तरीका है, यहां पर लिब्रा ऑफिस कैल्क में क्या तरीका है, तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में भी डेटा जो है इस तरीके का ड्रॉप डाउन बनाना है, तो डेटा वैलिडेशन नाम का आपको ऑप्शन इसमें दिख रहा है, यहाँ देखिए ये डेटा टैब दिख रहा है, यहाँ पर जाना है आपको और यहाँ पर आपको वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन नहीं दिखेगा, ये वैलिडिटी नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, इस वैलिडिटी पे जाना है और वैलिडिटी में भी वही चीज की एनी वैल्यू दिखेगा और एनी वैल्यू को बनाना है क्या, लिस्ट। अगर आपके पास कोई रेंज है तो रेंज भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, वैसे तो ये शॉर्टेड ही होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 1 दिया, फिर यहाँ 2 दिया, फिर यहाँ 3 दिया, फिर यहाँ 4 दिया, कोई कॉमा नहीं देना है, 5, 6, 7 ऐसे करके दे देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो जब ओके करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गई है, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरीके की ड्रॉप डाउन आपको बनती हुई दिखाई देगी और काफी इंटरेस्टिंग है ये। और एक फायदा लिब्रा ऑफिस कैल्क का ये है ना कि ये ओपन सोर्स है, ठीक है, ये ओपन सोर्स होता है, ठीक है। तो अब लेकिन एक्सेल ओपन सोर्स नहीं होता है, एक्सेल तो आपको उसके लिए पैसे देने होते हैं। तो यहां पर अभी क्या करते हैं, यहाँ पे नेम की लिस्ट लेके आनी है, तो नेम की लिस्ट कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर इसके लिए भी ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं, तो यहां से जाके इतने हिस्से को सेलेक्ट करके और यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाएंगे, तो वही चीज की डेटा टाइप पे जाके और यहाँ पर जो है वैलिडिटी ऑप्शन पे जाके और इस पे क्लिक करना है और इसे बनाना है लिस्ट, क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है और यहाँ पर आकर के कुछ नेम यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे राम श्याम कुछ भी ऐसे एंटर कर देते हैं और इसमें भी कोई कॉमा नहीं रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसमें भी कोई कॉमा नहीं रहेगा और ऐसे ही आपको करते चले जाना है। और यहाँ पे एक और नाजिया लिख देते हैं और यहाँ पर के जेके जो भी नाम है यहाँ पे हम दे देते हैं इस तरीके से, तो और यहाँ पे सोनू एक और नाम, तो ये हो गया और यहाँ से ओके कर दिया, तो यहाँ पर भी अब लिस्ट आ जाएगी, तो यहाँ पे लिस्ट यहाँ से आप केवल आपको चूज भर करना है, बाकी सारे नाम तो यहीं पे आपको दे दिए गए हैं और यहाँ से आप ले सकते हैं ये नाम, तो इस तरीके से चूज कर लीजिएगा जो भी नाम की जरूरत पड़ती हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नाम हमने चूज कर लिए हैं, ये देख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ से जाकर के ये हो गया। अब यहाँ पर वापिस वही कि हमें यहाँ पे रैंड बिटवीन फॉर्मूला यूज करना है फंक्शन, तो यहाँ पे RAND रैंड, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये टैब बटन काम नहीं करता है, तो ये सब चीजों का ध्यान दीजिएगा, जैसे एक्सेल में था तो वहां पे टैब बटन काम करता था, यहाँ पे नहीं करेगा, ये छोटा नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर और एंटर, देखिए यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा और यहाँ पर इसको ड्रैग करवा देंगे इस तरीके से और नीचे भी ड्रैग करवा देंगे और तब यहाँ से कॉपी करके देन यहाँ पेस्ट स्पेशल पे जाके और इसे नंबर बनाना होगा, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको नंबर ही बनाना है, टेक्स्ट नहीं बनाना है, ओके कर दीजिएगा तो ये नंबर बन जाएगा और देन अब चेंज नहीं होगा ये बार बार, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हो गया, अब यहाँ पर टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा टोटल। अच्छा कहीं भी किसी भी स्प्रेडशीट में फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू से, तो देखिए इज इक्वल टू लगाया हमने, सम जोड़ने के लिए यूज होता है, तो सम का फंक्शन स्टार्ट किया और जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे ना ये एरर हैश नेम एरर आ जाएगा, तो आपको टैब नहीं प्रेस करना है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू सम, आपको क्या करना है, शिफ्ट दबा के 9 वाला बटन दबाना है ब्रैकेट को ओपन करने के लिए और यहां से इसको सेलेक्ट कर जाना है, ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, बंद करके एंटर करना है और एंटर करके यहां से इसे ड्रैग करवा देना है, इस तरीके से ड्रैग करवाइएगा तो ये आ जाएगा। और फिर यहां पर अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे बॉर्डर, जितने एरिया में आपको बॉर्डर चाहिए उतने एरिया को पहले सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूं, देखिए और यहां पर आपको मिलता है बॉर्डर का ऑप्शन, ये देखिए यहां पर देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा तो ये सब पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम रोल नंबर के बेस पे सर्च करेंगे या नेम के बेस पे, तो फिलहाल हम रोल नंबर के ही बेस पे सर्च करेंगे, तो ये रोल नंबर आ गया और यहाँ पर अब हम नेम किसको सर्च करेंगे, तो टोटल मार्क्स को सर्च करना, तो यहाँ पर टोटल लिख देते हैं, तो ये दो काम हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हमें चाहिए ड्रॉप डाउन कैसे बनेगी, तो वही तरीका है, डेटा टाइप में जाके और यहां से जाना है वैलिडिटी पर और वैलिडिटी पे जाके कहां जाना है, यहां से जाना है आपको
सेल रेंज पर। इस बार सेल रेंज ले लिया है हमने, तो ये सेल रेंज हमें चाहिए। यहां से पहले क्लिक कीजिएगा और यहां पर जो है इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ये करने के बाद ओके कर दीजिएगा तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है ड्रॉप डाउन आने लगी है। अब यहां पर आते हैं, टोटल हमें पता करना है, तो यहां पर वी लुकअप लगाते हैं। तो देखिए यहां पर भी वी लुकअप यूज होता है और काफी इंटरेस्टिंग है, तो ये वी लुकअप लगा लिया हमने। वी लुकअप लगाना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया वी लुकअप, इस तरीके से वी लुकअप लगाइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए। यहां पर जो वैल्यू दी गई हो ना उसी को हमें सर्च करना है, ठीक है। तो कॉमा लगा देंगे और कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, पूरा का पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर जाना है। तो ये हमारा पूरा टेबल एरे है, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहां पर F4 काम नहीं करेगा, तो आपको एक एक करके डॉलर लगाना होगा इस तरीके से, जैसे कि मैं कर रहा हूं। तो यहां पे डॉलर लगा दिया, फिर यहां पे लगा दिया, इसी तरीके से आपको करते चले जाना है, ठीक है। फिर यहां पर देखिए, यहां पर भी डॉलर लगाना होगा, तो ये लगा दिया यहां पर और फिर ये लगा दिया यहां पर। तो इस तरीके से ये डॉलर साइन लगा लीजिएगा, ठीक है। लगा लेने के बाद कॉमा दीजिएगा और कॉमा देके यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें टोटल पता करना है। तो जरा सोचिए टोटल का कॉलम नंबर क्या होगा। तो ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो यहां पर आपको रखना है एट, कॉमा लगाना है, जीरो देना है एग्जैक्ट मैच के लिए और एंटर प्रेस कर देना है। तो यहां नॉट एप्लीकेबल क्यों आ रहा है, यहां पर नॉट एप्लीकेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां से हमने कोई ड्रॉप डाउन नहीं सेलेक्ट किया। तो रोल नंबर थ्री का देखना है, तो रोल नंबर थ्री का 179 है। जरा देखिए यहां पर 179 है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तो देखिए ये 179 ही है, यहां पर एक कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखिए टोटल 179 ही आया हुआ है, लेकिन क्या होगा अगर यहां से रोल नंबर चेंज हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। जैसे टू का कितना है, तो टू का देखिए यहां पर जो आया हुआ है, ये टू का आया हुआ है, देखिए यहां पर 247, तो बिल्कुल एकदम सही आया हुआ है, एकदम परफेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। अब देखिए यहां पर अगर एच लुकअप लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, तो एच लुकअप के लिए भी हम क्या करेंगे। अच्छा देखिए बी लुकअप हम साइड से लुकअप करते थे, लेकिन एच लुकअप ये चीज हमें चाहिए होगा, यानी कि वर्टिकल नहीं करेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल ये साइड से ले रहे थे, रो ले रहे थे वी लुकअप में, लेकिन एच लुकअप में हमें कॉलम लेना होगा। तो यहां पे लगाते हैं एच लुकअप, तो ये लगाया एच लुकअप। पहले तो हम क्या करते हैं, यहां पर फील्ड रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने रोल नंबर रखा, तो ये रोल नंबर हो गया और रोल नंबर को यहां पर रखेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, और यहां पर क्या रखेंगे, यहां पे हम रखेंगे टोटल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा टोटल रख रहा हूं, तो यहां पर हमें ऊपर टोटल ही सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं, ठीक है, यहां टोटल वाले कॉलम में आके इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं और लिखते हैं एच लुकअप। इस तरीके से एच लुकअप लिख दीजिएगा, एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप, ठीक है। तो अब हमें यहां पर क्या सर्च करना है, हमें सर्च करना है टोटल को, तो टोटल यहां पर आएगा, कॉमा लगा दीजिएगा और कॉमा लगाने के बाद पूरा का पूरा टेबल एरे आपको सेलेक्ट कर जाना है। तो ये टेबल एरे जैसे वी लुकअप में सेलेक्ट कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही कर लीजिएगा और डॉलर जरूर लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर डॉलर लगाना होगा, तो ये डॉलर लगा लिया। डॉलर लगाने से फायदा होता है कि ये फ्रीज हो जाता है और फ्रीज हो जाएगा तो ये चेंजेस जो है परफॉर्म नहीं होंगे, तो इस वजह से ये डॉलर लगाया जाता है, ठीक है, इसकी वैल्यू ना बदले इसी वजह से ये डॉलर लगा दिया जाता है। अब क्या करना है, कॉमा देना है, कॉमा देकर के क्या करना है, कॉमा जैसे ही दे देते हैं तो फिर हमें यहाँ पर एक काम और करना है, यहाँ पे रो नंबर ढूंढना है। वहां पर तो कॉलम नंबर ढूंढ रहे थे, अब हम रो नंबर ढूंढेंगे, ठीक है। तो रो नंबर में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए रो नंबर हमें थ्री चाहिए, तो रो नंबर थ्री क्या है, एक दो तीन, देखिए यहाँ पर श्याम का जो है टोटल आएगा। तो अगर रो नंबर थ्री लिख के कॉमा देके यहाँ पे जीरो कर देते और एंटर कर देते हैं, तो देखिए ये श्याम का टोटल है यहाँ पे, देखिए ये देख सकते हैं, ये श्याम का टोटल कितना है, इतना ही आया हुआ है, देख सकते हैं ना। अगर इसमें चेंजेस करते हैं हम, देखिए जरा यहाँ पे चेंजेस करते हैं, अगर रो नंबर फोर कर देते हैं तो लोकेश का टोटल आएगा, फाइव कर देते हैं सुमित का आएगा, तो चलिए फाइव करके देखते हैं क्या होता है। तो ये फाइव किया, एंटर किया, तो देखिए ये सुमित का टोटल है 235, तो यहाँ पे देखिए 235 ही आया हुआ है, देख सकते हैं ना। तो इस तरीके से आपको वी लुकअप और एच लुकअप यूज करना है, जनरल यूज है, ठीक है, आसानी से आप कर लेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, वैसे तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।